बाबा का घर है, पालन पोषण और इधर ही हुआ भगवती योग माया। अब मंदिर आ गया पैदल चल, जो भगवान की बहन है। हाँ जी, योग माया नंद बाबा की जय। इन्हें वो योग माया नहीं, कान्हा जी की बहन, उनका जन्म यहाँ हुआ था। फिर कान्हा जी ने वो तो छोड़ी देव की मैया के पास, और कान्हा जी यहाँ आ गए थे नंद भवन में। तो चलिए चलते, मेरे साथ चलिए नंद भवन के अंदर। कान्हा जी के घर के अंदर मैं जा रही हूँ। यह भगवान का छठ पूजन स्थान, इधर ही भगवान की छठी पूजी। आज भी किसी के घर में वंश वृद्धि नहीं होती है, लड़का बच्चा नहीं होता है, या लड़की लड़की होती है। इधर मनोकामना करके जाते हैं, 11 महीने में लड्डू गोपाल उसके घर में आते हैं। पहले मेन का दर्शन करेंगे, मेन मंदिर में अंदर दर्शन, फोटो नहीं ले सकते, वीडियो बना सकते हैं, अंदर फोटो अलाउ नहीं है, अंदर दर्शन करने की 3 मर्यादा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की छठी हुई थी, और अगर यहाँ पे गोबर से ही स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और जिनके घर में बेबी नहीं होता, उनको बेबी हो जाता है 11 महीने में। तो मैं भी यहाँ प्रार्थना करती हूँ कि जिसको जिसको बेबी नहीं है, भगवान सबको बेबी देना। इधर देखो मम्मी, इधर देख लो, माँ तो ये कान्हा जी का घर है, नंद भवन, जिसमें कान्हा जी का सारा बचपन बीता है। देखिए, ये इस आंगन में कान्हा जी खेलते थे। अच्छा, मुंह खोल के दिखाया था, ये इधर मैया ने भगवान को बांध दिया था। ये लो देखो, पनिशमेंट दी थी। ये एपिसोड उसने भी देखा, देखा इनू है, इनू ही नहीं, जगह तो करानी होती है। देसी है सारी, ये देसी है जी सारी गाय। कितनी सारी गायें और कितनी प्यारी प्यारी गायें हैं ये, घर देख। कहते जब यहाँ से जाते हैं तो ये जो मिट्टी है ना, ये सारी यहीं रह जाती है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाती। हेलो दोस्तों, उनको भी शूट करते, मिट्टी मिट्टी खेल रहे हैं। डाल डाल पापा पे। हमने यहाँ पे बनाया रमन रेते की मिट्टी से, मैंने शिवलिंग बनाया, इसलिए मंदिर बनाया। कैसे हमारे मंदिर दिखा दो, और पापा हमें बुला रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं अभी। तो मैंने ये मंदिर बनाया छोटा सा, और ये छोटे ने बनाया। तो हम दोनों के मंदिर है जो रमन रेते। ऑर्गन के सीन देखो, कितनी सारी हिरने हैं यहाँ पे। और देखो, इनू भी हिरनों को खाना खिला रही है। इनू कान्हा जी का आशीर्वाद जो मुझे कृष्ण जन्मस्थली से मिला है। ये देखिए, ये पूरी माला मुझे वहीं से मिला, मैंने इसको पहन लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम होटल वापस आ चुके हैं, और बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं, सारी रात के जागे हुए हैं हम। अभी ना, अभी पता नहीं कितना टाइम हो गया। हाँ, हम डिनर के लिए आए हैं, और हम मथुरा गोकुल घूम चुके हैं, हमारा हाल देखो कैसा है।
मथुरा की कभी जान निकल चुकी है। मथुरा बोलते वृंदावन को वृंदावन। अभी हम करते हैं डिनर एंजॉय और फिर इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। अच्छा डिनर दिखा देंगे। अगर आपको हमारा गोकुल वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। तो अगर आप मथुरा आते हैं ना तो इस रेस्टोरेंट का खाना जरूर ट्राई करिए। मैंने पहली बार अपनी थाली फिनिश करी है। और राखी कैसा लगा खाना बता दे। अच्छा था ना। इनू तो खा के सो गया। और मैं आपको इस होटल का नाम बताऊंगी अभी बाहर जा के। ये देखो रिव्यू कैसे थाली चेक कर रहा है। रेस्टोरेंट का नाम है प्रसादम मथुरा में। देखिए उनका खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली कढ़ी और क्या था वो कद्दू की सब्जी। लोग मेरे को देख रहे थे। तो अगर आप मथुरा आए तो इनका खाना जरूर ट्राई करें। ये बिल्कुल मेन रोड पे है। तो ये है मथुरा की गलियां रात के समय।